सलमान खान के घर में चोर घुसाया, एक्टर ने उसे पकड़ लिया, इसके बाद उसे खाना खिलाया और उसके बाद क्या क्या हुआ सुनेंगे तो हंसते हंसते पेट दुख जाएगा। जी हाँ, सलमान खान के घर में एक शख्स ने चोरी करने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने उसके साथ पकड़कर जो किया वो पूरी जिंदगी उसे याद रहेगा। सलमान खान के घर में हमेशा कई लोग बने रहते हैं, घर में उनकी फैमिली के अलावा कई नौकर, सिक्योरिटी और दोस्त हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। सलमान ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनके घर में एक पार्टी हुई, जिसके बाद एक चोर ने उनके घर में हाथ आजमाने का फैसला किया। सलमान ने बताया कि पार्टी के बाद वो और अरबाज खान अपने बेडरूम में सो रहे थे, अचानक सलमान की आंखें खुली और उन्होंने एक बड़ी सी परछाई देखी, कोई उनके घर में अजीब तरह से घूम रहा था, जिसके बाद सलमान ने पास सो रहे अरबाज को जगाया और उन्हें खामोश रहने के लिए कहा। सलमान ने बताया कि वो शख्स ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो डांस कर रहा हो। सलमान ने अरबाज की तरफ इशारा किया कि वो तीन की गिनती के बाद उस पर कूदेंगे, इसके बाद सलमान और अरबाज उस पर कूदे और चोर को पकड़कर बांध दिया। पूछताछ में चोर ने बताया कि वो पहली बार चोरी करने आया है, जब सलमान ने उससे पूछा कि क्या चोरी किया है तो उसने 5 रुपए निकाल कर दिखा दिए। सलमान ने चोर से पूछा कि खाना खाया है, उसने ना में जवाब दिया, इसके बाद सलमान ने चोर को खाना खिलाया। इतने में सलमान की माँ आ गई और उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो सलमान ने कहा कि चोर है। तब सलमान की माँ ने कहा कि इसे खाना क्यों खिला रहे हो, इसे पुलिस के हवाले करो। सलमान ने कहा कि खाना खिलाकर वो पुलिस को बुलाएंगे। तब तक सुबह के 6 बज चुके थे और सलमान अरबाज चोर को पुलिस थाने लेकर जा रहे थे। चोर ने सलमान से कहा कि अगर वो पुलिस के पास उसे लेकर जाएंगे तो उन्हें बहुत पेपर वर्क करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मुझे बाहर बांध दो। चोर ने सलमान से रस्सी की एक गांठ बांधने को कहा और जब पुलिस वाले आ रहे थे तब चोर वहां से रस्सी खोलकर किसी तरह वहां से भाग गया। इस तरह चोर सलमान के घर से भागने में सफल हो गया। वेल, इस घटना पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।